टीआरएस कॉलेज के नए सत्र में बच्चों को होगा 2500 रुपए का लाभ, सभी बच्चों पर होगा यह नियम लागू। एक तरफ जहां सभी महाविद्यालय, स्कूल या फिर किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान हो, फीस बढ़ाने के रोज कोई ना कोई तरीके खोजते रहते हैं, ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज ने एक ऐसी नाजीर पेश की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, या यूं कहें नामुमकिन है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की फीस में 2500 रुपए कम करके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने इस भारी भरकम छूट से जहां राहत की सांस ली, वहीं उनके अभिभावक यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई प्राचार्य इस तरह की छूट दे सकता है। टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य की चारों ओर मुक्त कंठ से सराहना हो रही है। शासकीय टीआरएस महाविद्यालय रीवा में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री रमेश गर्ग जी, नियंत्रक डॉक्टर रामलला शुक्ल जी और वरिष्ठ प्राध्यापकों की सहमति से हमने गत वर्ष की जो शुल्क ली जा रही थी विद्यार्थियों से, उसकी समीक्षा की और समीक्षा में ये महसूस किया कि कुछ फीस कम की जा सकती है, कुछ मदों में फीस कम की जा सकती है और उस फीस को हमने कम किया है। निश्चित रूप से महाविद्यालयों में जो फीसें प्रतिवर्ष तय होती हैं उनमें वृद्धि की जाती है, इसलिए सुनने में ये निर्णय थोड़ा अचकचाहट देने वाला है, लेकिन विद्यार्थियों के हित में अगर रिव्यू किया गया है, उसकी समीक्षा की गई है और ये कोशिश की गई है कि कुछ भी थोड़ी सी भी राशि अगर कम होती है तो इस अंचल के विद्यार्थी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उससे बहुत राहत महसूस करेंगे, इसलिए विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय लिया गया है। और ये राशि लगभग 2500 रुपये औसत है जो लगभग प्रति छात्र को लाभ मिलने वाला है और प्रति सेमेस्टर लाभ मिलेगा।